आज से प्रारंभ हो रही है भागवत की कथा, प्रथम स्कंध। भागवत में 12 स्कंध हैं। इन समस्त स्कंदों को प्रणाम करते हुए हम लोग अपनी अब यात्रा आज से प्रारंभ करते हैं। श्रीमद् भागवत का पहला श्लोक, बंधुओं श्रीमद् भागवत में प्रथम श्लोक में भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम नहीं किया, नारायण को प्रणाम नहीं किया, हरि को प्रणाम नहीं किया, शिव को प्रणाम नहीं किया, किसी देवी को प्रणाम नहीं किया। श्रीमद् भागवत के प्रथम श्लोक में प्रणाम किसको किया? बोले सत्यम परम धीमहि, जो भी परम सत्य है मैं उसको प्रणाम करता हूं। वेद व्यास जी, नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे, वेद व्यास जी की रचना में आप एक चीज देखेंगे कि वो कभी भी पक्षपात नहीं करते। एक पक्ष को विशेषता ज्यादा देना, ऐसा वेद व्यास जी का भाव नहीं है। वेद व्यास जी जब भागवत की रचना कर रहे थे उस समय 33 कोटि देवता आकाश में खड़े थे और सब ये विचार कर रहे थे कि श्री वेद व्यास जी जब प्रथम श्लोक लिखेंगे तो किसको वंदन करेंगे। लेकिन वेद व्यास जी के मन का भाव जब प्रकट हुआ तो वेद व्यास जी ने वंदन किसको किया? सत्यम परम धीमहि, जो भी परम सत्य है मैं उसको वंदन करता हूं। अब सब देवी देवता एक दूसरे के मुख देख रहे हैं, क्यों? शास्त्र आज्ञा करते हैं स्तोत्रम कश्य न तुष्टये, स्तुति से कौन खुश नहीं होता? सबको अपनी स्तुति अच्छी लगती है, देवताओं को भी लगती है, पर भागवत में किसी देवता की स्तुति नहीं है। सत्यम परम धीमहि, जो परम सत्य है मैं उसको वंदन करता हूं। अब परम सत्य कौन है, परम सत्य के लक्षण क्या है? थोड़ा सा कठिन है, थोड़ा नहीं बहुत कठिन है ये श्लोक। भागवत का प्रथम श्लोक है। हमने एक बात निश्चित कर दें, भागवत सामान्य ग्रंथ नहीं है बंधु। हमारे पास ग्रंथ से ऊंचा शब्द नहीं है, पुराण से ऊंचा शब्द नहीं है, इसलिए हम ग्रंथ पुराण कह देते हैं। तेनेयम वांग्मयी मूर्ति प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही, साक्षात श्री कृष्ण है भागवत। कोई लकड़ी की मूर्ति बनाते हैं, कोई अष्ट धातु की, कोई मार्बल की, कोई आदि आदि धातुओं की मूर्ति। वेद व्यास जी ने भगवान श्री कृष्ण की शब्द में मूर्ति बनाई श्रीमद् भागवत। तो एक प्रकार से आप यही समझिए कि आप कोई वक्ता को नहीं सुन रहे हैं, कोई प्रवचन नहीं सुन रहे हैं, साक्षात श्री कृष्ण को जैसे नेत्रों से देखते हैं वैसे कानों से भीतर प्रविष्ट करा रहे हैं। परम सत्य कौन है? बोले जन्माद्यस्य तोन्वयादि तरतः, जो जन्म आदि से इतर है, या फिर ऐसा कहें जन्म मृत्यु और जीवन जिसके हाथ में है वो परम सत्य है। जो चाहे तो विश्व को जिला दे, जो चाहे तो विश्व का नष्ट संहार कर दे, जो ही विश्व का पालन पोषक है वो परम सत्य है। मैं सत्य हो सकता हूं, आप सत्य हो सकते हो, लेकिन हम परम सत्य नहीं हो सकते। परम सत्य तो केवल और केवल श्री कृष्ण है। मूकम करोति वाचालम पंगुं लंघयते गिरिम यत् कृपातमहं वंदे परमानंद माधवम। वो गूंगे से बुलवा भी सकते हैं, वो लंगड़े से पहाड़ भी लंगवा सकते हैं, वो कुछ ना करने वाले से भी सब कुछ करवा सकते हैं। उनकी सामर्थ्य सब कुछ में है, इसलिए वो परम सत्य है, हमारी सामर्थ्य नहीं है। और सामर्थ्य की तो पूछे ही मत, 2020 में सब लोगों ने अपनी सामर्थ्य देख ली। जब लॉकडाउन लगा, मुझे कभी कभी ऐसा लगता है अभी ना लोगों में भक्ति बहुत बढ़ गई है। आजकल हमारे वृंदावन में इतनी भीड़ हो गई है, कहीं भी हम कथा करने जाते हैं इतने लोग कथा सुनने आते हैं, खास करके यंगस्टर्स बहुत आते हैं। तो मुझे कभी कभी लगता है ऐसा क्या हुआ कि अचानक 2-3 साल में इतनी भक्ति भजन भाव बढ़ गए। तब मन में ये आया कि व्यक्ति अपनी सामर्थ्य पहचान चुका है, मैं कुछ भी नहीं हूं। करोड़ों रुपए का टर्नओवर करने वाला व्यक्ति
अपने कमरे में है, पत्नी दूसरे कमरे में है, वो डॉक्टरों को फोन मिला रहा है मेरी पत्नी को बचा लो, कितना कितना चाहिए तुमको बताओ मैं देता हूं। सब समझ गए कि भैया संसार के जितने भी वस्तुएं हैं ये अंतिम अंतिम में तो केवल प्रार्थना ही काम आने वाली है। हम कितने भी सामर्थ्यवान हो अपनी सामर्थ्य से कुछ नहीं कर सकते। आज खाटू श्याम बाबा की बड़ी सेवा करते हैं, पूजा करते हैं लोग। जब वो बर्बरीक के रूप में थे तब उनसे प्रश्न किया गया, महाभारत का सबसे बड़ा योद्धा कौन था? आपने संपूर्ण महाभारत का दर्शन किया, बताइए सबसे श्रेष्ठ योद्धा कौन था महाभारत का? तब बर्बरीक कहते हैं, महाभारत युद्ध के सबसे श्रेष्ठ योद्धा योगेश्वर कृष्ण। अर्जुन बोला, जिन्होंने शस्त्र भी नहीं उठाया हाथ में। युधिष्ठिर नकुल सहदेव आदि बोले, जिन्होंने एक एक सैनिक को भी बाण नहीं मारा, हाथ में तलवार नहीं उठाई, अस्त्र शस्त्रों को छोड़ करके केवल घोड़ा चलाने में लगे रहे। बर्बरीक आप कह रहे हो वो महाभारत युद्ध के सबसे बड़े योद्धा थे? बर्बरीक बोले, मैं इसीलिए तो कह रहा हूं वो सबसे बड़े योद्धा थे। क्यों? क्योंकि साधारण लोगों को तो आयुध चाहिए, धनुष चाहिए, तलवार चाहिए, चक्र चाहिए दूसरे का वध करने के लिए, लेकिन योगेश्वर कृष्ण तो केवल अपने रूप मात्र से वध कर रहे थे सबका। अरे अर्जुन, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर, तुम लोगों ने कौरवों को नहीं मारा, वे कौरव तो श्री कृष्ण ने अपनी दृष्टि से ही उनको मार दिया था, बस मरे मराए में तुम लोग बाण मार करके श्रेय ले रहे थे कि हमने मारा। ठीक ऐसा ही बंधुओं मेरा और आपका जीवन है। आपको लगता है आपने ये उपलब्धि प्राप्त कर ली, मुझे लगता है मैंने कथा सुनाई, परंतु ये सब ठाकुर जी ने व्यवस्थित किया, बस श्रेय हमको दे दिया। भगवान का एक गुण है बंधुओं, वो हमेशा क्रेडिट्स दूसरों को देते हैं, श्रेय दूसरों को देते हैं। और मानव का एक स्वभाव है, कुछ भी करे और श्रेय ना मिले तो सबसे ज्यादा दुखी होता है मानव, वो श्रेय के पीछे ही भागता है। बहुत सावधानी से सुनो, आज हम जी रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, कर्म हमारा है लेकिन कृपा ठाकुर जी की, उन्हीं की कृपा से ही हम कर रहे हैं सब, इसीलिए वो परम सत्य है। वो चाहे तो अंधे से दिखवा भी सकते हैं। सूरदास, उनके विषय में क्या सुनेंगे आप? हमारे पास दो आंखें तो जन्म से हैं, और फिर दो दो आंखें हम बाद में और पहन लेते हैं। चार आंखें होने के बाद भी ठाकुर जी का वो दर्शन नहीं कर पाते जो सूरदास बिना नेत्रों के कर लेते थे। सूरदास जी मंदिर में जाते और जैसी ठाकुर जी की पोशाक वैसा ही पद गा देते। आज तो ठाकुर जी ने पीली पोशाक पहनी है, आज गले में ऐसी माला पहनी है, सिर पर सिरपेच धारण किया है, कानों में ऐसे कुंडल पहने हैं, इस प्रकार सूरदास जी बता देते थे। लोग बाग कहते, सूरदास तुम्हारे नेत्र तो है नहीं, फिर दिख कैसे जाता है? एक दिन गुसाई जी बोले, ये सूरदास रोज सोच के आता होगा, आज नीले वस्त्रों के बारे में बोलूंगा, आज पीले वस्त्र बोलूंगा, आज और संभवतः उस दिन हम वही वस्त्र पहना देते हैं। आज एक काम करते हैं, आज ठाकुर जी को वस्त्र ही नहीं पहनाएंगे, जब वस्त्र ही धारण नहीं करेंगे तो सूरदास सोच के आएगा कि आज मैं गुलाबी वस्त्रों का बारे में बोलूंगा, लेकिन हम वस्त्र ही नहीं पहनाएंगे तो फिर क्या बोलेगा? ठाकुर जी आज निर्वस्त्र खड़े मंदिर में, सूरदास जी जैसे ही आए, गुसाई जी बोले, कहो सूरदास आज ठाकुर जी कैसे लग रहे हैं? नेत्र नहीं है सूरदास के। सूरदास जी बोले, आज तो ठाकुर जी बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। बोले, कितने प्यारे लग रहे हैं? बोले, आज हरि देखे नंगम नंगा, मोतिन माल गले उर साजे, छवि के उठत तरंगा, आज हरी देखे नंगम नंगा।
सूरदास बोले, आज तो ठाकुर जी नंगे खड़े हैं, गले में मोतियों की माला पहन रखी है, इतने प्यारे लग रहे हैं, आज तो ठाकुर जी बिना पोशाक के बड़े सुंदर लग रहे हैं। महाराज, दर्शनार्थियों ने आज ठाकुर जी को प्रणाम नहीं किया, आज सूरदास को प्रणाम किया। वाह सूरदास, तुम्हें नेत्रों की भी आवश्यकता नहीं है ठाकुर जी को देखने के लिए, और यहां नेत्र हैं, शक्तियां हैं, सब कुछ है, फिर भी ठाकुर जी दिखते हैं नहीं दिखते? क्या समझते हैं आप? यत कृपातम हम बंदे, उन्हीं की कृपा से ही संभव हो सकता है, नहीं तो यह संभव नहीं है। परम सत्य कौन है जो पूरे विश्व को जीवित और मरणासन अवस्था में करने की सामर्थ्य रखता है? पूरे विश्व को कैसे क्या क्रिया करवानी है, यह सामर्थ्य जिसके हाथों में है। चार्थे स्वविज्ञ स्वराट, जिसको किसी से प्रकाश की आवश्यकता नहीं है, वो स्वयं प्रकाशवान है। ठाकुर जी किसी के आसर्तु नहीं रहते, किसी पर डिपेंडेंट नहीं रहते। कई बार कई लोग मेरे से प्रश्न कर देते, महाराज जी हमारे घर में ठाकुर जी हैं, आप कथाओं में ऐसा कहते हैं ठाकुर जी को भोग लगाना चाहिए, वस्त्र पहनाने चाहिए, स्नान कराने, भगवान हमारे पर आसर तू हैं, ठाकुर जी हमारे ऊपर डिपेंडेंट हैं? बिल्कुल डिपेंडेंट नहीं है, ये एक भक्ति का प्रकार है, ये एक भाव का प्रकार है कि आप ठाकुर जी की सेवा कर रहे हो, वो आपके ऊपर आसर तू नहीं है, वो आप पर डिपेंडेंट नहीं है कि आप नहीं करोगे तो चल जाएगा काम। चार्थे स्वविज्ञ स्वराट, लेकिन एक बात मैं आपको कह दूं, जब वैष्णव प्रेम लक्षणा भक्ति हृदय में प्रारंभ होती है, तब ठाकुर जी आसक्त भी हो जाते हैं, आसर्तु भी हो जाते हैं, डिपेंडेंट भी हो जाते हैं। ठाकुर जी को आवश्यकता नहीं, लेकिन एक एक प्रेम का स्वरूप होता है कि प्रेम में व्यक्ति सब कर सकता है, लेकिन फिर भी अपने प्रेमी के आसर्तु रहता है, उस पर डिपेंडेंट रहता है। जैसे बालक चलना भी सीख जाए, बोलना भी सीख जाए, सब क्रिया करने लगे, लेकिन कभी कभी मां के प्रति बहुत लाड़ आ जाता है तो जबरदस्ती बैठ जाता है, बोले नहीं मैं तभी उठूंगा, गोद में उठाओ। ठीक वैसे ठाकुर जी जब अपने वैष्णव भक्त की प्रेम लक्षणा भक्ति को जब वो देखते हैं, तब है तो नहीं पर दिखाते ऐसा है कि वो डिपेंडेंट है। चार्थे स्वविज्ञ स्वराट, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः। जो ब्रह्मा को भी वेद का ज्ञान देते हैं, बड़े बड़े देवताओं को भी अपने लीला से मोहित करके रखते हैं, ऐसे परम सत्य श्री कृष्ण को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्रत्र सर्गो मृषा, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश पंच तत्व जिनके अधीन रहते हैं, ऐसे श्री कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं।